हेलो, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज सुबह सुबह मैं जब सो के उठी तो देखी मेरा 999 हो गया है। वो आप लोग दे सकते हैं और सिर्फ एक ही कमी है 1000 होने में। तो बस हम भी रेडी हैं अपना केक लेकर के 1K का। तो देखते हैं कब तक होता है। सौरभ उधर शौर्य साइड श्रेया सीन को में स्कूल जाना है, सब लोग इधर सोच रहे केक वो खा के तब जाते हैं। सब भैया का तो रुके हुए एग्जाम भी है हैं, आज। 1K हो जाए फिर जाते हैं केक खाने के बाद। क्या माहौल है? एक मिलियन होगा तो क्या करिएगा? 999 में ये हाल है। 1K का केक आके रेडी है। शुरुआत तो स्टार्टिंग से ही करें। नाइन 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 कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए। और फाइनली और हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो हजार गए। हैप्पी सब्सक्राइबर हो गए हैं। हैप्पी 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू। और आपको केक मेरे तरफ से, क्योंकि कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, जबरदस्ती में ला के वीडियो बनवाती हूँ। थोड़ा गाल पे भी। ओए 1K शौर्य आ जाओ। हाँ इसको लो, जूम करके शौर्य डालो। शौर्य डालो। मुंह पे नहीं, मैं ना खा रही हूँ। सबको लगा रहे, हम भी ना चुके थे। हम केक की तुम्हें खाने जाते हैं अभी। मैं करते हैं इतना खोद दिया मैंने मुंह पे। स्पीकर आ गया। कल आया पार्सल तो दीपू को लगा कि मेरा है, मुझे लगा मेरा। अरे वाह, निविया का भी कुछ दिया है। अभी और अच्छी वीडियो बनेगी, देखते हैं पूरा क्या है। निविया का पता नहीं क्या दिया हुआ है। वारंटी गारंटी कार्ड दुनिया भर का। अरे बाप, वाह, ये क्या है? क्रीम दिया इसके साथ में फ्री निविया का। इसको चेक करना पड़ेगा ना कैसे बजेगा ये। बंद करो। वो जो सड़ा केक जो तू दिया यहाँ पे जो था पूरा वो डैमेज हो गया था। मैं बोली कैसा डैमेज है, तो बोल रहा है कि नहीं वो किसी का ऑर्डर है। मैं बाद में समझी कि तुमको मुझे नहीं देना था इसलिए बोल रहा है कि ऑर्डर है। वो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, मुझको लगा वो अच्छा ही केक है। कितने दिन पुराना केक था वो? कल का था। कल का पुराना नहीं था, कल शाम का केक था वो। बोलेगा झूठ तू? अगर तो बता रहे हैं भगवान कसम, अगर कुछ भी बच्चों को हुआ ना तो तुम्हारा हम यहाँ पे ये हालत करेंगे ना। अभी मेरा दिल हो रहा है कि कुत्ता बना के एकदम रोड पे इतना पीटे कि समझ में आ जाए। इतना कीड़ा उसमें, वो खाने वाला केक था, उस हिसाब का केक दिया जाता है। जो कि मैं बोल रही हूँ कि फ्रेश बना के दो, ऑर्डर ले लो, फ्रेश बना के दो, अच्छा दो, जो ताजा है वो दो। इतना
क्यों चेक करके हमको, अब एक में सड़ा निकला तो दूसरा में कैसे अच्छा निकलेगा। ये सारी केक जो भी है तुम्हारा, ये जितना केक है ये एक दिन का है। मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ और डेली आती जाती हूँ और देखती हूँ कि कौन सा केक आज का है कौन सा क्या है। कैसे खराब हुआ वो? टेस्ट में हो सकता है, लेकिन कीड़ा टेस्ट में इतना टेस्ट खराब था उसका कि मतलब मैं मुंह में डाली थूक दी, लेकिन बच्चे लोग सब, बच्चों को केक मिला फटाफट खा लिए फट के। ये देखो क्या हालत हुआ है, केक पूरा फट फट गया, इधर से केक बह रहा है। खराब नहीं हुआ है केक? अभी केक में मंगा रहा हूँ, फेंक दूंगा इसको। तो ये क्या होगा, ये मेल्ट करोगे फिर मेरे जैसे किसी को चूतिया बनाओगे, कीड़ा वाला खिलाओगे केक? ठीक है, पता चलेगा। आज तो हो गया बवाल, क्योंकि जो केक हम लोग लाए थे सेलिब्रेट करने के लिए उस टाइम पे तो मैं नहीं देखी, उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे एक छोटा सा उसमें कीड़ा दिख गया और उसका टेस्ट भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बोल तो जितना बोले के बोलो बोलो। जब मैं बात करना स्टार्ट करूंगी पकड़ पकड़ चालू हो जाएगा। बोलो अभी क्या बात है, बोलती बंद। आज हो गया बवाल, क्योंकि जो केक हम लोग लाए थे सेलिब्रेट करने के लिए उसमें हमको मिल गया एक छोटा सा कीड़ा। फिर क्या, फिर तो मेरा दिमाग हो गया खराब, क्योंकि मैं नहीं खाई, मैं सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर खाती हूँ और वो था स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी था नहीं पाइनएप्पल था, स्ट्रॉबेरी केक था। और मुझे तो ऐसे भी पसंद नहीं, तो मैं बस थोड़ा सा, आप लोग वीडियो में देखे होंगे थोड़ा सा ही मैं खाई, दीपू भी थोड़ा ही खाए, लेकिन बच्चे लोग तो फटाफट इतना इतना उठाए खाए और टिफिन में भी लेके गए। और बाद में थोड़ा पड़ा था तो मैं सोची पार्लर में लेके चलूंगी, स्टूडेंट हैं और वो काम वाली दीदी हैं, दूंगी। तब तक मुझे एक छोटा सा उसमें कीड़ा दिख गया। मेरा दिमाग खराब, कहीं बच्चों को फूड पॉइजनिंग ना हो जाए या कोई और भी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। फिर क्या, दीपू पहुँचे, वो भड़के, मैं पहुँची। अरे मैं उसको यहाँ तक कल बोली केक लेते टाइम पे कि भैया आप टाइम ले लो और अच्छा फ्रेश बना के दो, फ्रेश है ना? तो बोलता है हाँ हाँ अभी बना हुआ है। और मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं कभी उस दुकान पे लेती नहीं थी, आज कल फर्स्ट टाइम पहुँच गई मैं उसके शॉप पे और भरोसे से ले ली। इतना दिमाग ख़राब कि अभी भी सुबह से हम लोग खाए थे और शाम तक तो यही लग रहा था कि यहाँ पे कुछ अटका हुआ है। फिर गए थोड़ा तीखा तीखा खा के आए तो मन अभी सही है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अगर केक अच्छा नहीं है तो मत दो। 100-150 के लिए किसी की लाइफ से खेलना अच्छी बात नहीं है। बट उनको क्या है, बेचना है, कमाना है, सड़ा है। अरे आप लोग वीडियो में देखिएगा पूरा केकवा फट गया है, फिर भी वो सेल करने के लिए रखा है, बोल रहा है अभी दूसरा लाएंगे तो इसको फेंकेंगे। वो क्या फेंकेगा, वो मेरे जैसे किसी और को भी बेचेगा 250-300-200 में। चलिए देखिए, अभी तो आप लोग 1K भी मेरा कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज देखती हूँ रात में लाइव आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।